Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. In my YouTube channel, the areas to be covered are civil engineering, GATE previous year questions, ESE previous year questions, and many more. If you like the videos, then like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जो है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं किसके, जेके पीएससी के, ठीक है, जेके पीएससी, ठीक है, जेके पीएससी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के क्वेश्चंस, ठीक है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है हमारे पास, ठीक है, हुआ था 2009 में, ठीक है, 2009 में स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, उसका ये पेपर है, ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो टाइम दिया हुआ है वो है हमारे पास 2 आवर्स, ठीक है, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 120 मार्क्स, ठीक है, और मैक्स और क्वेश्चन जो है इसमें दिए हैं वो भी कितने दिए हैं क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है, इनको हमने डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में, ठीक है, 4 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, सॉइल एंड फाउंडेशन, सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इसमें सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, सेकंड पार्ट में हम इसमें कवर करेंगे सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, थर्ड पार्ट में इसमें हम थर्ड में हम इसमें कवर करेंगे सर्वेइंग एंड फोर्थ पार्ट में इसमें हम कवर करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, तो इसमें हमारे पास इस पूरे पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इसके हम वन बाय वन क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है, तो हम कर रहे थे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे जेके पीएससी के जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो ये वाला जो पोर्शन था हम कर रहे थे सोम एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सोम एंड एसए का पोर्शन कर रहे थे, इसमें हमने पार्ट वन कर लिया था, तो ये अब हम जो करेंगे पार्ट टू करेंगे, ठीक है, पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 41, ठीक है, ये क्या कह रहा है, द स्लोप एट द सपोर्ट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल कैरिंग ए कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट द मिड स्पैन इज, ठीक है, तो इसको हम एक बार कर लेते हैं, ये क्या बता रहा है, द स्लोप एट द सपोर्ट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल, तो हमारे पास सिंपली सपोर्टर एक बीम है, ये पिन सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, तो ये बन गया सिंपली सपोर्टर बीम, इसकी लेंथ हमारे पास एल क्वेश्चन में दी है, कैरिंग ए कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट द मिड स्पैन, कंसंट्रेटेड लोड दैट मीन्स पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन, दैट मीन्स डब्ल्यू ये मिड स्पैन पे है, दैट मीन्स एल बाई टू लेंथ पे, मिड स्पैन यानी टोटल लेंथ एल है, तो मिड स्पैन आ गया एल बाई टू, यहाँ से एल बाई टू है, ये भी एल बाई टू है, ठीक है, और क्या बता रहा है, मिड स्पैन इज, ठीक है, स्लोप, स्लोप बता रहा है कि स्लोप कितना होगा, तो स्लोप को हम डिनोट करते हैं थीटा से, ठीक है, दैट मीन्स क्या चीज बता रहा है, ये वाला चीज कि ये कितना होगा, थीटा कितना होगा, यहाँ पे भी थीटा होगा, ये कितना होगा, ये आ गया स्लोप और ये आ गया डिफ्लेक्शन डेल्टा, आ गया डेल्टा रिफ्लेक्शन, थीटा आ गया हमारे पास स्लोप और डेल्टा आ गया हमारे पास डिफ्लेक्शन, जो स्लोप होता है हमारे पास इस केस में तो वो किसके बराबर होता है, पी एल स्क्वेयर बाय सिक्सटीन ई आई, ठीक है, P की जगह पे हमारे पास क्या है W into L square by 16 EI, तो
हम ऑप्शन में देखेंगे डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाई 16 EI, डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाई 16 EI। तो ये ऑप्शन किस से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें स्लोप पूछा था, अगर डिफ्लेक्शन पूछा होता तो डिफ्लेक्शन कितना होता? इस केस में डिफ्लेक्शन पूछा होता तो वो हो जाता है पी एल क्यूब बाई 48 EI के बराबर। ठीक है, तो P कितना है? P हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है W, दैट मीन्स लोड कितना यहाँ पे दिया W, W इंटू एल क्यूब बाय 48 EI। तो अगर हमारे पास डिफ्लेक्शन पूछा होता तो हमारे पास ऑप्शन होता ये वाला, लेकिन हमारे पास पूछा क्या है स्लोप, तो हमारे पास ऑप्शन है डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाई 16 EI। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द शियर स्ट्रेस इन ए सर्कुलर शाफ्ट वेरीज। ठीक है, जो हमारे पास शियर स्ट्रेस होती है सर्कुलर शाफ्ट में वो वेरी करती है। इसमें जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स लीनियरली, लीनियरली वेरी करती है। जो हमारे पास शियर स्ट्रेस होती है सर्कुलर शाफ्ट में वो वेरी करती है लीनियरली। ठीक है, हम अगर इसको क्वेश्चन को करें देखें तो इस तरीके का हमारे पास शाफ्ट होता है, ऐसे जैसे कोई शाफ्ट होता है। ठीक है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें ये इसका सेंटर है और ये इसका आउटर एंड है। ठीक है, एक्सट्रीम एंड, ये आ गया सेंटर और ये आ गया एक्सट्रीम एंड। ठीक है, तो जो हमारे पास शियर स्ट्रेस होती है सर्कुलर शाफ्ट में वो वेरी करती है लीनियरली, लीनियरली वेरी करती है। ठीक है, विद रेडियस के साथ, लीनियरली वेरी करती है विद रेडियस फ्रॉम सेंटर जीरो, ठीक है, एट सेंटर एंड मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पॉइंट। और वो जो होती है सेंटर पे क्या होती है? जीरो होती है। जो शियर स्ट्रेस यहाँ पे सेंटर है तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस कितनी होगी? दैट मीन टाउ इक्वल टू जीरो होगा। और जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है वहाँ पे हमारे पास जो शियर स्ट्रेस कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। दैट मीन ये वाला जो एक्सट्रीम एंड का पॉइंट है इस पर जो शियर स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी? टाउ मैक्स। ठीक है, ओके, तो इसमें जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी ट्रांसमिट्स ए टॉर्क टी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है हमारे पास जिसका डायमीटर कितना है? डी है। और वो ट्रांसमिट कर रहा है टॉर्क कितना? टी। ठीक है, तो हमने निकालनी है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डेट में टाउ मैक्स, टाउ मैक्स हमने फाइंड करना है। टाउ मैक्स हमारे पास कितना होगा वो फाइंड करने के लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो सोल्यूशन में क्या होगा? वी नो दैट, हमें पता है, ठीक है, जो टोर्जन फार्मूला होता है, टोर्जन फार्मूला जहाँ पे भी टार्क वगैरह आ जाता है तो वहां पे हम टोर्जन फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, जो टोर्जन फार्मूला होता है वो क्या होता है? टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ये हमारे पास टोर्जन फार्मूला। ठीक है, टोर्जन फार्मूला टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ठीक है, तो टी क्या होता है हमारे पास? टॉर्क। जे क्या होता है हमारे पास? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, टाउ क्या होता है? शियर स्ट्रेस। आर क्या होता है हमारे पास? आर क्या चीज है हमारे पास? रेडियस ऑफ द शाफ्ट। जी क्या हमारे पास? जी है हमारे पास शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, थीटा क्या हमारे पास? थीटा हमारे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा आर फाई क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंड एल इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो बात करें हमारे पास टॉर्क दिया है, डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर से हमारे पास रेडियस पता चल जाएगा हमें, डायमीटर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है? टॉर्क टी दिया है, डायमीटर डी दिया है, इससे हमारे पास फार्मूले में रेडियस है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? डायमीटर डी है, डी दिया हुआ है, तो रेडियस होगा रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2। ठीक है,
हमें निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दैट मींस ये वाली चीज निकालनी है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब हम ये वाला पोर्शन इसका यूज करेंगे फॉर्मूले का, ठीक है। तो टाउ मैक्स बाय टाउ, यहाँ पे अभी मैक्स नहीं लिखेंगे, अभी तो हम एज इट इज फार्मूला लिखेंगे। सिंपली ये आ गया टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई जे, ठीक है। तो हमें निकालना है टाउ टाउ इक्वल टू टी बाई जे इंटू आर, ठीक है। तो बताया क्या निकालने के लिए, टाउ मैक्स बताया निकालने के लिए, तो टाउ मैक्स आ गया टी बाई जे। जे जो होता है, जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, वो होता है पाई बाई 32 D^4, ठीक है। तो हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे जो होता है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, वो कितना होता है पाई बाई 32 D^4 इंटू आर। रेडियस कितना है हमारे पास, डायमीटर बाय 2, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, फर्दर इम्प्लाइज दैट टी इंटू डी बाई 2, ऐसे लिखा। और ये जो है हम उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, ये बन जाएगा 32 × π d^4, ठीक है। इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इसमें देखो ये है 16, और यहाँ पे डी, यहाँ पे 4d है, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, ये बन जाएगा 16 t/π × d³, π × d³, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, तो हम देखेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना है, 16 t/π/d³, 16 t/π/d³ किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का कह रहा है, व्हेन ए क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ऑफ मीन डायमीटर डी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड डब्ल्यू, द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग इज एन, ठीक है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, एन इज नंबर ऑफ कॉइल्स एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन ए क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है, जब हमारे पास एक है, हमारे पास क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है, आप जिसका मीन डायमीटर कितना डी दिया हुआ है, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड, उस पर जो एक्सियल लोड पड़ रहा है वो कितना है डब्ल्यू, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग हमने इसमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग दैट मीन डेल्टा निकालना है, एन इज द नंबर ऑफ कॉइल्स, एन क्या है नंबर ऑफ कॉइल्स, एंड डी क्या है डायमीटर ऑफ द वायर, डी क्या है डायमीटर ऑफ द वायर, ठीक है। हमने निकालनी है डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं हम। हमारे पास क्या होता है, इन केस ऑफ क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है, जो एक्सियल डिफ्लेक्शन होती है डेल्टा, वो किसके बराबर होती है, कर्ल यू बाई कर्ल पी के बराबर, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, 64 PR³ एन बाय GD^4, ठीक है। हमारे पास जो यू होता है, यू किसके बराबर है, 32 P² R³ एन बाई GD^4। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है हमें, हमें जिसको याद रखना है वो हमारे पास है ये वाला फार्मूला, डेल्टा इक्वल टू 64 PR³ एन डिवाइडेड बाई GD^4, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखते हैं हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में हमारे पास जो भी है डब्ल्यू है, दैट मीन्स हम बोलेंगे पी की जगह पर डब्ल्यू रखा हुआ है, और यहाँ पे डी दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में क्या है आर है, तो आर को भी हमने डी में कन्वर्ट करना है, पी को भी हमने डब्ल्यू में कन्वर्ट करना है, एन दिया हुआ है जी
रेज पर 4 दिया हुआ है, तो देखते हैं नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा। डेल्टा इक्वल टू 64 पी आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय जी डी रेज पर 4, ठीक है। जो हमारे पास p है इसको w लिख लेते हैं, 64 p को w लिख लेते हैं, और जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डायमीटर बाय 2 के बराबर, d बाई 2 का क्यूब इंटू एन, बाकी हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 64, ठीक है, ये w, और ये हो जाएगा d क्यूब डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, क्योंकि इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, इंटू एन डिवाइडेड बाय जी डी रेज टू पावर 4, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8 पी, क्योंकि ये इससे कटेगा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो 8 पी, पी नहीं है डब्ल्यू है, 8 डब्ल्यू डी क्यूब एन बाई जी डी रेज टू पावर 4, ठीक है। तो हम देखेंगे आंसर में, हमारे पास आंसर यही है कि नहीं है, 8 डब्ल्यू डी क्यूब रेज डी क्यूब डी क्यूब एन डिवाइडेड बाय जी डी रेज फॉर 4, 8 डब्ल्यू डी क्यूब एन, 8 डब्ल्यू डी क्यूब एन डिवाइडेड बाय जी डी रेज फॉर 4, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।